हे गाइस, वेलकम ऑन केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे जो वैकेंसी निकली है उसके रिक्रूटमेंट की सारी के सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी सारे बेहतरीन अपडेट इस पे आते रहते हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है स्किप ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात कर लूँ, जो पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट है, तो काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं सबसे पहले इसमें, तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 7 मार्च 2020 को ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि इसकी डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो लास्ट डेट अब कितनी है, तो 31 मई 2020। तो किसी कारणवश अगर आपने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, और वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि क्या क्या जो है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी सारी डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए, लास्ट डेट फी पेमेंट की अगर बात करें तो 31 मई 2020 तक फी पे कर सकते हैं इसका। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो फेज़ वन की जो है 7 जुलाई 2020 रखी गई है। एग्ज़ाम डेट फेज़ सेकंड की अगर बात करें तो 23 अगस्त 2020 अभी तक जो एग्ज़ाम डेट है वो यहां पे मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 1000 रुपये रखी गई है। उसके बाद एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। पेमेंट जो है आपको कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड में करना है, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ई मित्रा से आप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 29 फरवरी 2020 के अनुसार एज जो है काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की कोई जो है लिमिट नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर रूल आपको जो है उसमें छूट मिल जाएगी। उसके बाद बात करें जॉब लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, तो इंडिया में कहीं भी आपको जॉब जो है मिल सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 147 यानी 147 पोस्ट जो है यहाँ पे है टोटल। उसके बाद आगे बात करें इसमें कि पोस्ट कौन कौन से पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी जो है उसमें जो है पोस्ट है, तो इसकी बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट की बात करें तो 80 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल अगर बात करें तो 34 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 22 पोस्ट है। उसके बाद इंजीनियरिंग सिविल की बात करें तो 1 पोस्ट, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 4 पोस्ट है, और रिसर्च में 5 पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के भी 1 पोस्ट दिए हुए हैं। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और जो अप्लाई करेंगे वो सारे लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो पे स्केल की बात करें तो एज पर रूल तो मिल ही जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके बाद बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सीए, सीएफए, सीएस, कॉस्ट अकाउंट, ये सारी अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट मैनेजर लीगल की बात करें तो कैंडिडेट हैविंग बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आपके पास जो है लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैंडिडेट हैविंग बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन, ओके, सो इन कंप्यूटर्स या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपके पास ये सारी की सारी डिग्री आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग सिविल के पोस्ट से अप्लाई करना है जो कि एक पोस्ट है केवल, तो कैंडिडेट हैविंग बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। उसके बाद बात करें कि इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल कोई भी इंजीनियरिंग हो, आपको जो है बीटेक की डिग्री मांग रहा है ये किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए बीटेक की डिग्री। उसके बाद बात करें हम रिसर्च की, तो कैंडिडेट हैविंग मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी फाइनेंस में यानी कि या फिर इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास डिग्री होना जरूरी है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगी कैंडिडेट, करा कि कैंडिडेट हैविंग मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल और मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट।
अगर आपके पास अगर इसमें से कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मतलब किस तरह से आपको सेलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि सीबी बेस्ड एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर इसी तरह बेहतरीन अपडेट आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस अपडेट को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और आगे आने वाले समय में आप किस टाइप की जो है इस चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में आप सजेशन दे सकते हैं हमें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।